आज की बड़ी खबर थाने की, जहां थाने जिलाधिकारी लोगों में मतदान के प्रति जागरूकता के अनेकों अभियान शुरू किया है, तो वहीं थाने में परप्रांतीय मजदूरों से ठेकेदार काम कराने के बाद मजदूरी नहीं दे रहा, जिस वजह से गरीब मजदूर अपने गांव नहीं जा पा रहे हैं मतदान करने। इस तरह का आरोप मजदूरों ने थाने घोड़बंदर रोड के ऊपर अपने शरीर से कपड़ा उतार कर गले में ईंट टांग कर किया आंदोलन प्रशासन व ठेकेदार के विरुद्ध। बिहार है ललदासी गांव, इसलिए आए काम के लिए सर, हम कमाने के लिए यहाँ पर आए, बीवी बच्चे के लिए, अब होटल भी है, मजदूरों के करने हम लोग चाहते हैं, हम लोग का जाने नहीं देता है, बोलता है हाथ पर तोड़ देंगे जाएगा तो नहीं है सर, खाने के लिए पैसा नहीं है, दिहाड़ी ये 15 दिहाड़ी एक हफ्ता से भूखे हुए इसी तरह चला रहे हैं, आप नहीं जा पाएगा, नहीं देगा पैसा तो। यादव नाम है, क्यों आंदोलन किया है, क्या करना आंदोलन इसलिए किया है, बाकी पारा हीरा नन्नी कंपनी भाभी से बेल्डर से राहुल पटेल ने काम लिया था, हम लोग 50 वर्कर ने काम किया है, वो 3 महीने का पगार नहीं दिया है, लगभग 1.5 साल से ऊपर हो गया है, और वो जब तक चेक काट के दिया था, ये चेक लेके भगा के आप लोग गाँव जा सकते हो, 3 महीना तक इंतजार किया, जब तक चेक नहीं बना तब तक मीठा मीठा बात बोल के हम लोग को फंसा को लागे, अब भी बोर्डिंग चालू हो गया है मेरा देश में, इधर 10 रुपया 50 रुपया नहीं है जो हम लोग कोई भी तरीका से गांव जाऊं, भोला मंडल अध्यक्ष ओनियन समिति का कृपया से हम लोग पेट में खाना खा रहे हैं, और इधर बम्बई में आज इधर कल उधर भाग दौड़ कर रहे हैं साहब, मजदूरों का कोई सुनता नहीं, पुलिस स्टेशन बोलता है सिविल मैटर है, लेबर कमिश्नर कहता है मेरे हाथ में नहीं, आरोपी को मैंने बुलाया था लेकिन आया नहीं, मैं क्या करूं, तो मैं न्याय किससे मांगूं, 5.5 लाख रुपए राहुल पटेल रानारा न्यू नंदन वन सोसाइटी ब्रह्मांड इसके पास है, 25 लाख रुपए मुंबई महानगर पालिका कांदेवली श्री कृष्णा कंस्ट्रक्शन इनके पास है, ये वोटिंग करने नहीं जा पाएंगे क्योंकि इनके पास पैसा नहीं है, इनके पास खाने का प्रॉब्लम है, मैं मेरे यूनियन के माध्यम से इनका खाना खर्चा किसी तरह से चला रहा हूँ। अगला कदम क्या रहेगा? अगला कदम मेरा ये है कि अगर मेरे इस विषय पे सरकार और पुलिस दखल नहीं लेगी तो मैं माननीय आयुक्त पुलिस आयुक्त साहब के कार्यालय पे निवर्णुक आचार संहिता खत्म होने के बाद मैं धड़क मोर्चा निकालूंगा।